नमस्कार दोस्तों, ये न्यूवो का न्यूवो 5 लाइट है, यानी कि 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि मेड इन अमेरिका है। एक्सेलेंट बिल्ट क्वालिटी, और यहाँ के एक हॉस्पिटल आनंदमयी माता में मंदिर में हमारे जो मार्गदर्शक है अखिलेश खेमका जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी और इन जैसे महान लोगों के सौजन्य से ये मरीजों के फ्री वितरण के लिए, आवश्यक लोगों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये वीडियो इस पर्पज़ से है कि अगर आपको ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खुद आप घर में रखते हैं या किसी संस्था के थ्रू आपको यूज़ करने को, प्रयोग करने को मिलता है, तो आप इसका प्रयोग कैसे करें। तो आइए देखते हैं इसका, ये चारों तरफ से एक बार व्यू ले लें। ये इस प्रकार से होता है, इसमें पीछे ये आपको एक फिल्टर मिलता है, ये फोम का फिल्टर है, इसमें पीछे ये फोम का एक फिल्टर मिलता है जिसको आप सप्ताह में एक बार साफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंसंट्रेटर में आपको ये ऑक्सीजन आउटपुट मिलेगा। जो सबसे खास बात इसमें है, इसमें जो फ्लो मीटर है वो नॉब टाइप है, और ये ऐसा फ्लो मीटर है जिसमें 0.5 के गुणक में आप ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मरीज की ऑक्सीजन की आवश्यकता, यानी कैलकुलेशन 94 2 लीटर पर मिनट पे 3 लीटर पर मिनट पे 4 लीटर पर मिनट पे, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके असेंबल के तरीके को सीखते हैं। यहाँ पे ये वेलक्रो लगा है और इस वेलक्रो को यहाँ खोलते हैं। ये इसके साथ ये ह्यूमिडिफायर बॉटल बोलते हैं इसे, या फिर इसको वुल्फ बॉटल भी बोलते हैं। इसमें अपर एंड लोअर मार्जिन बना हुआ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके बीच तक आप नॉर्मल आरओ ड्रिंकिंग वाटर का प्रयोग करें, उसको यहाँ तक भर दें। कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे लगा के इस तरह से टाइट कर दें, यहाँ लगा, और इस वेलक्रो की मदद से इसको यहाँ टाइट करते हुए स्टेबल कर दें। ये दोस्तों इसका पावर कार्ड है, इसको खोलें। ये इसका पावर कार्ड है, और इसको अगर आप देख सकते हैं तो ये जो स्विच है इसको ऑन करते हैं। ये दोस्तों इसको नेजल प्रॉम बोलते हैं, ये मरीज अपने गले में इस तरह से पहन सकता है, कुछ इस प्रकार से। और इसके अंदर ये चीज़ लगी हुई है जिसको अपने हिसाब से आप टाइट वो कर सकते हैं, और इन दो छेदों के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसको इस ह्यूमिडिफायर में यहाँ लगा देते हैं इस प्रकार से दोस्तों, और उसके साथ ही ये जो ह्यूमिडिफायर बॉटल है इसको आप यहाँ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस कनेक्टर को आप लगा दें दोस्तों, इस पे ध्यान दें, देखें जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं इसके अंदर से बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। इसको जैसे ही हम बढ़ाते हैं, ये देखिए ये बुलबुले आने शुरू हो गए, और यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये काम करता है, और इस तरह से इसको आप लगा दें, मरीज को वहाँ लगा सकते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एके सिंह, और आज जो हमारी बातचीत है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर। कई तरह के होते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे 4 तरह के कंसंट्रेटर्स यहाँ रखे, और क्या है, कैसे है, खुद से घर पे कैसे असेंबल करें, कब इसका ज़रूरत पड़ता है, कब इसका प्रयोग करें, कब इसके भरोसे ना रहें, तो आज की टॉपिक में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है, हेलो एंड वेलकम टू एकेएस टॉक्स। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन मरीजों के लिए है जिनकी दवा घर पे ही चल रही हो और जो स्टेबल हो, ये सभी मरीजों के लिए नहीं है। वो मरीज जिनकी स्थिति स्टेबल हो, जिनका नॉर्मल रूम एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन 85 से थोड़ा कम, 80 से ऊपर रह रहा हो और उससे नीचे ना गिर रहा हो, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू ऑक्सीजन देने पे लगभग 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से वो 95 के ऊपर मेंटेन कर जाते हो, ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है।
इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको अपनी उंगली पे आप लगाते हैं, जैसे आज की डेट में ये बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं। अगर ये 94 यानी 94 से नीचे आपका सेचुरेशन दिखाता है तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन, जैसा कि पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर है, कि कब ऑक्सीजन को देने के बाद तुरंत, ऐसा नहीं है कि आपने पाइप इनपुट लगा दिया ऑक्सीजन का, आपने नेजल प्रॉप या मास्क लगा दिया और तुरंत वो 10-15 मिनट वेट करिए और ऑक्सीजन के फ्लो मीटर में आप चेक करें कि पहले 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट देने के बाद 10-15 मिनट वेट करिए और देखिए कि आपके मरीज का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80 या 85 से उठ के 2 लीटर पर मिनट के देने की स्पीड से ये तुरंत 94 प्लस पे पहुंच जाता है, तो आपका काम इससे चल जाएगा। इससे दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि आपका ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो वास्तव में सही काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, अगर अमूमन मार्केट में उपलब्ध जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ऑन एन एवरेज 90% 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक ये सप्लाई करते हैं, कुछ इससे ऊपर और कुछ इसके नीचे भी होते हैं, तो आप उनको चेक करें। अगर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक देने के बावजूद आपके मरीज का सेचुरेशन जो आप इसमें चेक कर रहे हैं वो 95-94 प्लस नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन कंसंट्रेटर्स के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो एक इंडिकेशन है कि तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं जिसपे 10-15 लीटर तक पर मिनट की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरी स्वयं की माताजी अभी 15 दिनों आईसीयू में रह के आई हैं और वहाँ उन्हें 10 लीटर पर मिनट तक की आवश्यकता पड़ रही थी, वो रिक्वायरमेंट ट्रूली सिलेंडर से ही पूरी हो सकती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करते हैं? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करते हैं कि जो हमारे एटमोसफियर है इसमें से ही ऑक्सीजन को निकालते हैं और उनको छानते हैं, एक्सक्यूज करते हैं और फिर उनको लिक्विफाई करके सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन में लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है और बाकी 1% में सारी गैसेस हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऐसी जगह पे प्रयोग करें जहाँ पे हवा का फ्लो काफ़ी अच्छा हो। छोटे या बंद कमरे में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे हमारे घरों में कूलर होता है या कोई चीज़, तो वो बाहर की हवा को खींच के ठंडी करके फेंकता है। उसी तरह से ये एटमॉस्फियर से, ताज़ी हवा से ये ऑक्सीजन लेता है और फिर उसमें से हवा लेता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के सप्लाई करता है। तो बंद कमरों में इसका प्रयोग करने से बचे। दूसरी चीज़, इस कंसंट्रेटर और दीवार, इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फुट की जगह रखें। पीछे से या साइड से ये अक्सर हवा खींचने का इनका मैकेनिज्म होता है, अलग अलग डिजाइंस में अलग होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो बातें हम बता रहे हैं। जब ये अच्छी हवा, फ्लो हवा, नॉर्मल हवा खींचेगा तो और अच्छा ऑक्सीजन आगे सप्लाई कर पाएगा। दोस्तों, इस बात को समझना आवश्यक है, अगर ये कंसंट्रेटर है इसके में और इस दीवार की दूरी मिनिमम 2 से 2.5 फीट रखें। ये इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बरकरार होना चाहिए। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही खींचता है, एक्सक्यूज करता है, और इसकी दूरी लगभग लगभग 2 फीट से ज़्यादा रखें और बच्चों को की पहुँच, बाथरूम या सीरन जैसी जगहों पे इसको ले जाने से बचे। दूसरी चीज़, वेट के बारे में लोग बात करते हैं, वेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है क्योंकि ये हम इसको लेके कहीं घूमने वाले नहीं हैं, एक बार ये आ गया तो जहाँ है वहाँ रखा रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, इसके साथ और सावधानियाँ क्या हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ मानते हैं ये जलने, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ज्वलनशील गैस नहीं होती है, ये नहीं जलती है खुद भी, लेकिन ये जलाती बहुत है। तो ज्वलनशील पदार्थों से, जलने वाली चीज़ों से इसको पूरी तरह से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लिक्विड बाथरूम से या गीली जगहों पर बाथरूम में लेके जाना और जगहों पर इसको लेके जाने से इसको अवॉइड करें। ये सामान्य सी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो ये ह्यूमिडिफायर है, ये वुल्फ बॉटल है, इसकी सफाई बहुत आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है। फिल्टर की सफाई, जो कि वीकली सफाई वाले सुपरफिशियल फिल्टर है, उसको आप घर पे कर लें, इसको वीडियोस में अलग अलग उसमें बताया गया है। जो ये ह्यूमिडिफायर है इसको कायदे से साफ करें,
हर दूसरे दिन तीसरे दिन साफ करें, ड्राई करें, सुखाएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक ट्रांसमीटर हो सकता है, तो इसलिए इसका भी एक ध्यान। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये कंसंट्रेटर कितने देर तक यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको बिजली की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है तो इसको 24 घंटे भी लगातार यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप यहाँ बिजली की सप्लाई कितनी आती है। अगर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाती है तो आप बैटरी वाला मॉडल भी खरीद। अच्छा, एक खास बात और, भारत सरकार ने अभी कोविड सिस्टम को देखते हुए, कोविड के सिनेरियो को देखते हुए, 1 मई के बाद से इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे जो GST 28% थी उसको घटा के 12% कर दिया है आने वाली 30 जून तक। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी जानकारी बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें जानना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरा ये डायरेक्ट नंबर है, और हेल्प करिए, हम जीत जाएंगे, हम जीत रहे हैं दोस्तों। इस उम्मीद के साथ अलविदा कह रहे हैं। अभी तक अगर देखा हो, कुछ समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। ये किसी न किसी का जान बचा सकते हैं, किसी को गिरने से उठा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे भी बहुत सी बातें होंगी, बस चलते चलते यही कहना है, हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारती।